गाड़ी जा रही है, रोड बना रही है, बनाने के लिए आया है पूरा एनफील वाला। यहाँ रो इस तरफ से रोड लिखने का एक गाड़ी आई है, पूरा देखिए पूरा जा रही है। ये देखिए पूरा गाड़ी जा रही है, प्रॉब्लम है भाई मौजा नहीं मिला। बैठ के बात करो। असिस्टेंट आप यहाँ आइए, बैठा भाई। लेफ्ट हैंड आइए, यहाँ पे आइए, आप लोग भी बैठ लीजिए। हाँ बोला के लागा भाई तू। देखिए हम ये जो आपकी खनन विभाग है उसके मालिक हैं और हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा दिल्ली से। वो सबका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे बारे में जानते नहीं होंगे। बतावा भाई, मैं तो किसानी आदमी किसान लगी। ये हमारा रॉक कोल माइंस प्राइवेट फंड जो कोल इंडिया है उसके हम मालिक हैं और हम यहाँ पे आए हैं सड़क रोकने के जुर्म में आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग की क्या समस्या है। हाँ तो समस्या यह बाग हम के मौजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, देव कह रहा भाई किसे किसे नहीं दिया गया। मौजा लेने वाला खुशी से जाते हैं, खुशी लेते हैं। कहाँ खुशी ले रहे हैं, हम लोग तो यहाँ किसानी कर रहे हैं। तो आप लोग को इस जमीन पे केस करना चाहिए, रुपया भी एक रूल आया है। हमारी जमीन लाद काय केस करी। दूसरी तरफ सड़क यहाँ निर्माण किया जा रहा है। हाँ निर्माण भाई निर्माण एनसीएल कर दिया। हमारे खेते पर आए तो हम बोलबा कर रहे, हमारी कुछ नहीं मिला था। हम किसानी कर रहे दिन भर, मारा थे लड़का बच्चा भूखे मरा था, अब तू लेकर हमारी कुछ ना दे बे। वो सब ठीक है। हाँ बता। लेकिन वहाँ तक हमने सर्वे किया और देखा कि कोई जमीन में खेती नहीं हो रहा है। खेती नहीं हो तो हमारे यहाँ का अगर निफ्तार है, यहाँ हमारा रोजगार है। यहाँ का अगर जंगल से हमने निफ्तार करते हैं, मैं महुआ तेनुआ बीनते हैं, महुआ हमारे खेत में है, देखो पट्टा में है पूरा देखो। तो हम अगर आपसे खुल के पूछें कि आप इस जमीन का रेट क्या लेंगे, ये जमीन हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। हमारी क्या कहें, डिसमिल पर दे 2 लाख रुपया डिसमिल। 2 लाख रुपया डिसमिल। अभी हम कुछ वर्ष पहले ही यहाँ पूरब दिशा में आपको पता होगा कि एक डिसमिल का 1 लाख रुपया दिया गया था। एक डिसमिल का 1 लाख तो उतना दे, 1 लाख दे। तो इस पे आपको केस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो हम काहे केस करी, हम लड़े काहे जाए, हमारे बाल बच्चा भूखे मर जाए ही, हम किसानी करब कि हम का अगर केस करे जाब। तो आप अपने तोहरे के देवे के बाद दे, यहाँ का रोड बनाओ खोते अगर तो हम ना दे पा, हम केस ना करब। हमारे पास हमारे अपन जीत खात वाली, हम रोजी रोटी अपन खाते, हम केस ना कर पा रहे। रुकी अब हम आपको दिखाते हैं रूल्स नया। हाँ नया रूल्स का मतलब हमारे यहाँ जिंदगी बा। रूल्स बता दे, हवा का रूल्स हम पढ़ा लिखा जनबा नहीं करी। हम आपको स्वयं पढ़ के ही बताएंगे। हम आपको स्वयं पढ़ के बताएंगे। पढ़ के बतावा हमना कौन बड़ी बात हुआ। बतावा भाई का हो बा, कैसे बात हो। बात यह है कि इस समय खनन विभाग में तरह तरह के नियम जारी हो रहे हैं। अब हम का जाने, हम तो किसानी करते काम। हमारे असिस्टेंट लोग आए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि जमीन में अब नौकरी नहीं दिया जाएगा। वो तो आलना तो बोले ना, तो हर एक एक हम कोर्ट के ले जाए, नौकरी वोकरी कुछ ना। हाँ वैसे चल गए। सुनने में आया है हमारा सड़क वड़क रोक दिया गया है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है भाई मौजा नहीं मिला। बैठ के बात करो। असिस्टेंट आप यहाँ आइए, बैठा भाई। लेफ्ट हैंड आइए, यहाँ पे आइए, आप लोग बैठ लीजिए। हाँ बोला के लागा भाई तू। देखिए हम ये जो आपकी खनन विभाग है उसके मालिक हैं और हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा दिल्ली से। वो सबका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे बारे में जानते नहीं होंगे। बतावा भाई, मैं तो किसानी आदमी किसान लगी। नियम कानून बदलता हम कि हमें पैसा दे, मौजा दे, देबा नहीं कर तो हम काहे दी। बतावा हम काहे दी अपन जन। तो आप चाहते हैं कि आपको मुआवजा फिर पुनः दिया जाए। हाँ अभी बात सही बोले, हमें मौजा दे, घर एक मौजा दे, प्लाट दे, यहाँ से हम लिखनी भाई कुछ देव तब ना हम दूसरे जगह बसब। अगर हमारे कुछ है ये नहीं तो कहाँ जाब हम, लड़का बच्चा कहाँ जाए, हमारे परिवार 50 कहाँ जाए।
तो उस मैटर में आपको जमींदार या फिर जमीन के मालिक को समझाना होगा कि वो मुआवजा। अरे हमारी जमीन लाद मालिक कहाँ से आ गए न, हमारी जमीन ला गई तो मुआवजा तो खुशी से उठाया गया था। कहाँ खुशी से, साइन करवा लेन कहें कि एक के दे नौकरी दे, आज दिन तो 20 साल हो गल नौकरी, 2000 में फसल 6 में मुआवजा मिलल, 20 साल हो गल हमारे लड़का अभी 27 साल का हो गए नौकरी दे अभी एक जनकी भूखे मरा थी यहाँ डस्ट मरा एकदम हमारे पास डस्ट एकदम खेत किसानी बड़ी हाँ नहीं कर, पानी नहीं मिला सब खदान खींच लेता कैसे हम करी। तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ के अधिकारियों पे केस करें? अधिकारियों केस नहीं करेंगे हम यही रहेंगे, खदान बंद कर दो बस, हमारे जगह पे खदान नहीं आना चाहिए, हम ऐसे जी लेंगे अपना रोजी रोटी अपना किसानी करके जी लेंगे। यहाँ पे खदान कुछ ही दूर पे रोक दिया गया है, एक प्रोजेक्ट रुक गया है जयंत का, आपको पता होना चाहिए। पता होना का आपको पता, हमको क्या पता, दिन भर सब तो खदान चलता बने हर नहीं आवाज देते नहीं, वो सब लोगों के हित को और भलाई को देखते हुए खदान को रोका गया है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग यहाँ के निवासी होंगे। तो खदान का रोड बात हम रोड वही नहीं देते, कहाँ से रोडवाई करी, खदान यही से रुकल बा, अब वहाँ से बैठन जाए की बैठन जाए की रोड कहाँ से लिखानी। नहीं हमारे अधिकारी लोग यह दिखाना चाहते हैं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कहाँ बंद है सब तो खदान चलता देखा थे नीचे ऊंचे, कहाँ बंद होल बा, हम तो नहीं देखी, हम तो देख रहे हैं कि सब पूरा माइंस चलती है, जहरा नहीं तोहरा चलती है, पूरा जगह चलती है, गाड़ी चलती है, कहाँ रुकल बा, कुछ नहीं रुकल। आपको सिंगरौली के हे जो TH डायरेक्टर हैं शिवदास डी, उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। काहे कॉन्टेक्ट करी, हमें जरूरत नहीं है अभी, तुम्हारी जरूरत बा रोड बनाओ था तुम्हारी जरूरत बा, तू आवा हम बैठे तो जैसे आल बाल अभी। नहीं ऐसा नहीं चलता है, अगर आप मुआवजा लेने बैंक में जाते हैं। अरे तो भाई भैया आप ले रहे हैं जमीन को हमारे, आप ले रहे हैं हम नहीं दे ले रहे हैं, हम लेते नहीं, हम लेते तब हम आपके पास जाते, हम तो दे रहे हैं, तुम आओ देंगे हम। अगर ऐसा है तो हम जमीन तभी लेंगे, मुआवजा तुरंत देंगे। हाँ, बात सही बोलते, कोई अकाउंट नंबर नहीं लेंगे, हाथ में देंगे, हाथ में जमीन का कागज। ठीक है ठीक है ले ले। तो आप चाहते हैं कि यही हम नियम जारी करें? हाँ ये नियम जारी करा। ठीक है, हम हाई कमान से बात करके यह नियम जारी करने के लिए 1 महीने का समय देते हैं। हाँ तो ठीक बा, ये आल बन है दिल्ली से, तो वह पूछा था जमीन कैसे कैसे बा, तू पूर्वज लागे किसानी कर लग नहीं करा, हमारे करेला किसानी ने तो जमीन लेवाल बने। अच्छा, जमीन लेवाल बने, ये रोड आना था हम कैसे दे, हमें मौजा नहीं मिलल तो काहे जाए दी रोड, वो मौजा दे नौकरी दे प्लाट दे घर एक मौजा दे रोड निकाल ले। एक चीज दिया जाएगा आपको, कहा दिया जाए, या तो आप पैकेज लेके घर बैठ के लीजिए। पैकेज का होला बतावा, पैकेज नया रूल्स के मुताबिक पैकेज आपको मनपसंद रेट दिया जाएगा, जितना आप कहेंगे उतना दिया जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक, आपको घर बैठे भत्ता अर्थात हर आदमी को बराबर दिया जाएगा, तनख्वाह के बराबर सैलरी। हाँ ठीक, उसको बोलते हैं प्राइवेट सैलरी, अर्थात आप अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं, इधर उधर आपका सैलरी वो आता रहेगा। ठीक, तब वही रूल जारी कर दे, वही हम ले। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और सोवियत संघ रूस में भी ये नियम जारी हुए हैं। हमार खेत ले बत वही नियम जारी करा, अब जे हम कहबत हट जी, अब जे पैसा चेक दे हम हट जी। तो आप चाहते हैं ही नियम जारी हो? जारी जारी तुरंत जारी करो। ठीक है, अभी तुरंत हाई कमान से बात करके मैं 1 महीना के अंदर में ये रूल जारी करने के लिए स्वयं कमलेश राजन जी आके यहाँ पे कहता हूँ। अगर कहीं कोई बात हो तो आप लोग को कोर्ट कचहरी में हमारे समक्ष आके बयान देना होगा कि आप लोग को इतना मुआवजा चाहिए। बयान भैया हम कहो ना जाबे, मैं पर गाड़ी घोड़ा पैदल नहीं, आप लोग पैदल ना जा पाए, आवक हुई तो यही जमीन पर क्लियर करो, खुद करा ना करो खुद तो जा। आप लोगों को पता नहीं होगा जैसा कि हम कोर्ट में कहते हैं। अरे हमारे का पता रहे, हम तो अपन कना जुगावताले रहला गेहूं सब बोवताले, हमारे का खाली है ये दुनिया कूदे। हम दिल्ली में पहले कई बार तो अरे तो भाई चार चक्का एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर से आए हो तो हम लोग क्या करें, हम लोग को पैसा थोड़ी है। हम दिल्ली में अपने खनन अधिकारियों पे केस किए थे तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कुछ नहीं होता जैसा अभी आप क्या बोले? हम क्या बोले? हम यही बोले हमारा मौजा दे, तू अधिकारी लगे हमारा मौजा दे। हाँ तो ये हर आदमी को बोलना चाहिए, एक साथ हर आदमी का तो हमारे लेवा होता तो है तू वाला हमारे दिल्ली में, दिल्ली में हमने बोला तो अधिकारियों ने ये बोला कि लेने वाला आपके आपके पास गवाह है, इस तरह का कोई सवाल पूछा जाएगा तो हम आपको स्वयं बुला के पूछेंगे कि हाँ आपने हमारे समक्ष स्वयं कहा था कि आपको जमीन कितना रेट चाहिए। तो तू वहर देखा हमारे ठे मत बोला। हाँ तो हम जब अधिकारियों जब ऊपर में हमारे ऊपर केस होगा तो आपको बयान किया जाएगा। हाँ तो हाँ बयान कर दे, हमारी जमीन लेता ला तू, तू हम ले तो हरी जाने ला, तू चेक दे भैया नहीं जैसे बड़ी डस्ट उड़ता है एकदम। लोग ये कहते हैं हमारे भूखे मरत थी, कहती भूखे मरत थी, अभी ना हमारे पास पैसा बा ना अनाज होता बढ़िया से। मैं सिक्योरिटी देखो कोई जल्दी था, खदान उदान मत चलाए हर उड़ी।
मैं दिल्ली के सिक्योरिटी उनसे बात करके आपकी जो डिमांड है वो पूर्ण करने के लिए एक महीने का समय देता हूँ। हाँ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम स्वयं आके पुनः अधिकारियों के साथ आएंगे और आपके पास मीटिंग करेंगे। ऐसा आवन है, ऐसा कुछ नहीं हो, 4 महीना फिर रोड नहीं, ये मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है, आपको पता नहीं हमारे कहाँ तक जाना थी। जैसे रोज दिन आवन है अधिकारी, ऐसे जाने तो रहो आपका जाना थे, तू दिल्ली से अलग मुंबई से तू बताओ था हम जाना थे। अब तक बोलने वाला कोई वैसा बोला नहीं कि हमें जमीन का कितना रेट चाहिए या फिर गूगल फेसबुक व्हाट्सएप पूछवा नहीं करे। इसीलिए तो हम स्वयं आए हैं। हाँ तो आपसे बोल दिए, ठीक है, आप यही चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, होना चाहिए, ये नियम हम एक महीने के अंदर में जारी करवाएंगे। हमारे मालिक होवक चाहिए, सबके यहाँ जितना आदमी बन पूरा हो, हमारा बन नहीं, ठीक सबके उनके होवक चाहिए। नहीं, नियम जो जारी होते हैं वो भारत के हर नागरिकों के लिए एक समान होते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, हम जा रहे हैं, ऐसा होवक चाहिए, ऐसा होवक चाहिए, नहीं बोलते ना दे जमीन अपन, नहीं बोलते। अभी अभी आपको पता नहीं होगा, खनन विभाग के अलावा हमने एक नई कंपनी खोली थी, बीपीआर कंपनी। उस कंपनी का नाम अब तक बड़े बड़े लोग पूछते हैं कि उस कंपनी का नाम क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीपीआर कंपनी का फुल नेम है बेस्ट पेंशन राम बदन, और इसे चलाने वाला बेस्ट परिवार ही है, जो स्वयं आप लोगों के बेस्ट परिवार से है। अरे हमारे कर ले 3 महीना तो कुछ, 3 साल कर ले तो कुछ हो बना है, फिर हटा दे पैसे काहे काहे हटाए फमन की। जिसके पास 50 डिसमिल से कम जमीन है या फिर होने का दावा है, उसे हम अपने बीपीआर प्राइवेट कंपनी में हमारे एरिया खुद देवे, हमारे एरिया जिसमें पानी ना मिले, मुआवजा हम देंगे और आपको मन पसंद कब देवे, मर जा तब देवे, अभी देंगे, कुछ ही दिनों 2011 में तो उधर के जमीन भाई, तो 2000 में फसल 20 साल हो गए, का दे नहीं, अभी 5 साल करे तब जमीन फसल है। बहुत बड़ी मिशन चल रहा है इंडिया, अब जो हम जाना थे तो भूखे मर थे, कुछ नहीं मिला हमारे। आपको पता नहीं होगा कि बहुत बड़ा मिशन चल रहा है इंडिया विजन 2020, उसे पूरे होने में अभी 2 महीने बाकी है। विजन जब हम 2000 जाने लगे, ये आज का अगर रे नवम्बर लगे, अब 2020 चलता है, इतना हमें जाने लगे, इतना दिन होता है, हमें आज एक आगम शुक्रवार शनिचर यह जाने ला, और हमें कुछ नहीं जानी 2020 का होला का होला, मैं हिंदी जो है बताओ 2020 का मतलब हिसाब किताब बराबर। आप चाहते हैं खनन विभाग आपका हिसाब किताब बराबर करे, तो करा हम आपको जल्द से जल्द आपको जितना जल्दी क्लियर कर देवे उतना जल्दी हमें चल जाए, आपको रहने के लिए अच्छा सा जगह, आप हम अपने मन पसंद बना ले, हमें पैसा चाहिए, तो वही आपको रहने के लिए अच्छा सा मन पसंद जगह, उसकी कीमत सब देने का कोशिश हम दिल्ली से करेंगे। आज मीटिंग को हम पूर्ण करते हैं, ठीक है।